हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे देखिए फुटबॉल लिली के बारे में बात करूँगी। कितने प्यारे फुटबॉल लिली के फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये कंपाउंड फ्लावर होता है, ऐसे देखिए। वैसे ये प्लांट पॉइजनस होता है। इसका ये एक एक फ्लावर है, ये देखिए अलग से। और ऐसे लगता है इधर से देखना बिल्कुल जैसे कोई फुटबॉल, ऐसे फुटबॉल जैसा। ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं ना ट्रायंगल से, बिल्कुल फुटबॉल जैसा फील होता है ये फ्लावर। और एक बल्ब में से एक बल्ब, एक फ्लावर मेरे यहाँ तो लास्ट ईयर, अब इस साल मुझे पता नहीं, लास्ट ईयर एक बल्ब में से मेरे दो दो फ्लावर्स भी निकले हैं लास्ट ईयर। तो ये दो भी निकल आते हैं मेरे यहाँ तो, निकले हैं, मैंने सुनी हुई बात नहीं है, देखा हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये बल्ब्स मैंने बिफोर लास्ट ईयर के लिए हुए थे, उस दिन उस बार भी जब इनकी फ्लावरिंग आनी बंद हो जाती है फिर इसमें ऐसे पत्ते निकलते हैं। अब देखिए इनमें ये पत्ते क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ये यंग बल्ब्स हैं। अभी इन बल्ब्स में इतनी, एक्चुअली मैंने ये दो या तीन बल्ब्स लगाए थे और ये मल्टीप्लाई होके देखिए इतने सारे बल्ब्स बन गए हैं। और इनमें क्या होता है, जो मैच्योर बल्ब है, और बल्ब को कैसे लगाना है उस पर मैंने वीडियो डाला, उसका मैं लिंक दे दूंगी आपको। अभी मैंने शायद एक डेढ़ महीना पहले ये बल्ब्स लगाए थे, और सारे बल्ब्स लगाए थे मैंने, हमारे लिए सारे बल्ब्स दिखाए थे और फिर लगाने की वीडियो भी डाली थी। तो जो यंग बल्ब्स होते हैं, अभी जैसे छोटे बल्ब्स हैं उनमें इतना बल्ब इतना बड़ा हो कम से कम, इसके बल्ब की शेप बड़ी प्यारी होती है, नीचे से चपटा और ऊपर से पॉइंटेड होता है, जैसे पकौड़े होते हैं ना कड़ी में डालने वाले, कुछ कुछ उस टाइप के शेप का इसका बल्ब होता है। और मैंने दिखाया है बल्ब, अब मैं वीडियो का लिंक डालूंगी। तो छोटे बल्ब होते हैं उनमें अभी एनर्जी नहीं है, तो उस उनमें ऐसे देखिए पत्तियां निकली हैं, उनमें फ्लावरिंग स्टॉक नहीं निकला है। और जो मैच्योर बल्ब होते हैं, शायद अब मैं नहीं कह सकती कि ये लीफ है, या मुझे ये लग रहा है कि इसमें स्टॉक निकलेगा, और इस वाले में ये देखिए ये स्टॉक निकलेगा, फ्लावरिंग स्टॉक निकलेगा। और जो मैच्योर बल्ब्स होते हैं उनमें देखिए ये स्टॉक निकलेगा, ये वाला भी देखिए ये स्टॉक निकलेगा। तो जो मैच्योर बल्ब्स हैं उनमें खाली देखिए कोई पत्ती नहीं निकली, सीधा एक स्टॉक निकला हुआ है। और इसमें देखिए इसमें निकली है, ये पत्ती है या हो सकता है, मैं नहीं कह सकती, दो चार दिन में आपको फिर दिखा सकती हूँ। तो इनमें क्या होता है कि पहले स्टॉक निकलता है और स्टॉक में फ्लावर लगते हैं। अब ये फ्लावर कम से कम एक डेढ़ महीना, एक महीना तो रह जाता है, और एक महीना रहने के बाद फिर ये फ्लावर जब मुरझा जाता है तो फिर इसके पौधे में पत्तियाँ निकलने लग जाती हैं। इसको यहाँ से काट दो और फिर साइड में जैसे ये निकल रही है, ये पत्ती नहीं लग रही, ये तो मुझे अब देखिए बड लग रही है, स्टॉक लग रहा है, पता नहीं अब निकलेगा तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ, और ये स्टॉक ही लग रहा है वैसे मुझे। तो बाद में फिर ऐसी पत्तियाँ निकल आती हैं और ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बहुत पत्तियाँ, और पत्तियाँ ही खूबसूरत लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई किसी तरह की कोई पीस लिली वगैरह लगाया हुआ है, उस तरह की ये पत्तियाँ, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं। ये वाली पत्तियाँ हैं ना, ये देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, ये पत्तियाँ जो होती हैं ना, इस बल्ब ने ये जो स्टॉक बनाया और ये जो फ्लावर बनाया, इसमें जो इसकी एनर्जी लगी ना बल्ब की, तो उस एनर्जी को दोबारा उस बल्ब में रिस्टोर करती हैं, ताकि अगले साल फिर से जो है वो बल्ब में फ्लावर्स बनाने की ताकत आ जाए। तो ये देखिए कितना प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं। तो जब इनको लगाते हैं ना, मैंने वैसे वीडियो डाला हुआ है बल्ब्स को लगाने में, बस नॉर्मल मिट्टी में लगाया हुआ है मैंने, और एक मिट्टी, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बजरी और एक हिस्सा खाद डाला है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सख्त है तो आप बजरी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, क्योंकि बल्ब्स को हमेशा थोड़ी सी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, ऐसी मिट्टी जो पानी को ज़्यादा रोके नहीं, क्योंकि बल्ब्स में आगे बहुत सारा फ्लैश होता है, वो उसमें गूदा होता है बहुत बल्ब्स में, और आप पानी ज़्यादा देंगे तो वो फिर गल जाते हैं बल्ब्स, और फ्लावर वगैरह तो क्या निकलना है, आपका बल्ब भी सड़ जाता है सारा। तो जब आप बल्ब लगाते हैं तो मैंने दिखाया है कि कैसे रखते हैं, वो आप देख लेना। उसके बाद आप पानी बहुत ज़्यादा ना दें,
थोड़ा कम साइड में ही पानी दें, क्योंकि ज़्यादा साइड में अगर आप शौक शौक में पानी देंगे तो आपका बल्ब जो है वो गल जाएगा। पानी ना दें, और काफ़ी टाइम लगा इसको मैंने, मेरे को लगता है 1-1.5 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था इसको बल्ब्स को लगाने का। फिर धीरे धीरे बल्ब्स में से देखिए कितने दिनों बाद ऐसे छोटे छोटे स्प्राउट निकलते हैं, ये देखिए ऐसे, ये छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे से स्प्राउट्स निकलते हैं, और धीरे धीरे ये देखिए ये स्टॉक बन गए दो, और ये दो फ्लावर भी गए। और जैसे मैंने कहा बल्ब्स मल्टीप्लाई भी हो गए हैं इसमें, और 2 साल से मेरे पास है छोटे 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 कई बल्ब्स इसमें हैं, और उन बल्ब्स में जो छोटे हैं, अगर आप कई बार कहते हैं हम फुटबॉल लिली के बल्ब्स लाए और उनमें फ्लावर नहीं आए हैं, तो उसका कारण ये है कि आप जब बल्ब लाते हैं तो छोटे बल्ब जब होंगे, इस साइज़ का छोटा बल्ब होगा, तो उसमें से फ्लावर एक सीज़न नहीं आएगा, एक आधा सीज़न उसमें ऐसे पत्ते आएंगे, और जब उस बल्ब में ताकत आ जाएगी, बड़ा हो जाएगा फ्लावर का स्टॉक प्रोड्यूस करने का, तब उसमें जाके फुटबॉल लिली के फ्लावर्स आएंगे। और इसको आप कई सालों तक जो है वो रख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी मेरा ये फुटबॉल लिली के बल्ब्स के फ्लावर्स अभी आते रहेंगे, ये जुलाई तक आते रहेंगे, जुलाई अगस्त तक आते रहेंगे। इसके आते का मतलब ये है कि इसमें एक बार या दो बार ही फ्लावर आते हैं बस, और एक फ्लावर जो है वो एक महीना तक चलता है इसमें करीब, और दोबारा जो है एक आधा जैसे फ्लावर आ गया, जैसे मैंने कहा मेरे तो दो भी आ जाते हैं इस वाले बल्ब में जो मेरे पास हैं, तो उसके बाद फिर पत्तियां आ जाती हैं, पत्तियों को लगा रहने दें, और पत्तियां जो हैं जब पीली अपने आप, जब सफिशिएंट एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है इसमें बल्ब में, तो उसके बाद ये पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। जब आप देखें कि इसकी पत्तियां पीली, अच्छा जब फ्लावर खिले हुए हैं ना, तब इनको पानी की कमी ना होने दें, मॉडरेट वाटरिंग रखें, कि हल्की सी मिट्टी जो है वो गीली रहे, हल्की सी गीली रहे। अब मेरे इसकी मिट्टी है, मैं टच कर रही हूँ, तो ये मिट्टी जो है वो गीली है, ये देखिए थोड़ी सी नीचे से मैंने निकाली, ये देखिए गीली है, बस ऐसी मॉडरेट सी जो है वो रहे, सूखने ना दें बल्ब्स। जब फ्लावरिंग सीजन का टाइम आता है, तब आप अगर अपने गमले को सुखाएंगे, पानी नहीं देंगे एक एक दो दो दिन, फिर आपका ये बल्ब जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। किसी भी फूलों के पौधे में जब उसमें फ्लावर्स आ रहे होते हैं, तो फ्लावर्स खिलने के बाद उसको पानी की कमी ना होने दें, तब उसको सूखा नहीं रखें अपने पौधे को, नहीं तो फूल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। मुझे फूल बोलने की आदत है, फूल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं अगर हम उसको फिर ड्राई साइड में रखते हैं। तो आप समझ गए कि जब इसमें स्प्राउट निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद इसमें इसकी मिट्टी को थोड़ा सा मॉडरेट मॉइस्ट, उससे पहले मिट्टी को हमें थोड़ा ड्राई साइड में रखना है। और जब ये पीले हो जाते हैं इसकी पत्तियां, जैसे मैंने बताया धीरे धीरे जब आपको पीली होती दिखेंगी, तब आपको पानी फिर से कम कर देना है। 2-3 दिन में एक बार पानी दें आप, रोज फिर पानी नहीं दें आप उसको, क्योंकि फिर आप रोज रोज पानी देंगे तो फिर आपका बल्ब गल जाएगा। तो जब पत्तियां अब ये बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो इसको फ्लावर पौधे को पता है कि इसको कब तक खाना देना है बल्ब को। उसके बाद पत्तियां पीली होने लग जाएंगी, उस पर आप पानी कम कर दें, 2-3 दिन में एक देना बार देना शुरू कर दें। अब धीरे धीरे पत्तियां पीली होके मुरझाने गिरने बैंड होने लग जाएंगी, ब्राउन होने लग जाएंगी, फिर आप उन पत्तियों को ऐसे ग्राउंड लेवल पे ऐसे काट दीजिए। ग्राउंड लेवल पे इसको काट देंगे पत्तियों को, और उसके बाद या तो आप बल्ब को गमले में ही पड़ा रहने दें। मैं ऐसे ही करती हूँ कैलेडियम के बल्ब के साथ, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, इसके साथ भी करती हूँ। आप गमले में रहने दें और इसी में दूसरा पौधा लगा दें, कोई कोलियस वगैरह पौधा कुछ ऐसा लगा दें। और अगर ज़्यादा सेफ्टी आप चाहते हो कि नहीं कहीं ख़राब नहीं हो जाए, तो आप क्या करें कि इन बल्ब्स को उसके बाद निकाल के रख लेते हैं, निकाल के आप उसको कागज़ में अखबार में लपेट के रख लें किसी अंधेरी सी जगह में, और या फिर कोकोपीट में प्रिजर्व करके। अभी मैंने अमेरिलिस लिली के बल्ब्स रखने इसके एशियाटिक लिली के बल्ब्स रखने बताए थे अभी लास्ट मंथ वीडियो डाला है, और बस इनको ऐसे अखबार में लपेट के रख लो, या थोड़ा सा कोकोपीट किसी डब्बे में भर के उसमें हल्का सा दबा के रख दो और मॉइस्ट रखो हल्की सी। कोकोपीट को भी पानी नहीं देना है, एक जगह रख दो, महीने में एक बार थोड़ा सा दोबारा से मॉइस्ट कर देना उसको, तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट टाइम फिर से आपको फ्लावरिंग दे देते हैं।
और इनका बस ये है कि थोड़ा पॉइजनस है, ध्यान रखिए। ये बहुत सारे जो है वो मेरा ख्याल मेडिसिंस में भी यूज़ होते होंगे, जहाँ थोड़ी बहुत पॉइजनस चीज़ चाहिए होती है। और एरो हेड्स पे लगाने के लिए भी लड़ाइयों वगैरह में यूज़ होते हैं, मतलब इतने खतरनाक होता है इसका पॉइजन, ये देख लो आप। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बच्चों से और पेट्स को मत खाने दें, इसको ध्यान रखें कि पॉइजनस है ये प्लांट। और खूब जितना खूबसूरत है ना, वही कहते हैं ना विश कन्या वाली बात है इसमें, जितना ये खूबसूरत है उतना ही ये विषैला भी है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से हैंडल करें। और बस इसको खाद जो है, देखिए जब इसको प्रिपेयर किया था तो अच्छी तरह मैंने बताया है उसमें कि जब बल्ब्स लगाने बताए हैं खाद दें अच्छी तरह। और अब बस अब मैं इसमें अभी कोई खाद नहीं दे रही हूँ, अभी फ्लावर खिले हैं। और कभी कभी जब मैं, मुझे लगता है इसको मैंने एक आधी बार ही लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है, तब से जब से लगा 21 दिन में एक बार थोड़ा सा दिया है। और मैं तो वही ऑर्गेनिक वाला देती हूँ जो गोबर से खाद से बनाती हूँ। और आपको अगर देना हो तो 1 लीटर पानी में DAP और थोड़ा सा पोटाश, 1 चम्मच DAP चाय का और 1 चम्मच चाय का ही पोटाश पाउडर डिजोल्व करके वो दे दें 20-25 दिन में एक बार। और क्योंकि हमने गोबर खाद वगैरह तो अच्छी तरह दिया ही हुआ है इसमें, है ना, और बोन मिल भी दिया हुआ है इसमें जब हमने इसको लगाया था, तो इसलिए बाद में हमें जो है बहुत ज़्यादा खाद जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, बस लिक्विड खाद 20-25 दिन में एक बार दे दें। अच्छा, लाइट की बात हमने अभी की नहीं। ये जो है इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ इसको हाफ डे सन मिल जाए। अब देखिए मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है, मैंने इसको अपने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, टॉप वाले छत पे ही आप बना रही हूँ मैं वीडियो, तो टॉप वाले छत पे ही मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है, उसके नीचे इसको रखा हुआ है। तो जहाँ मैंने इसको रखा हुआ है ग्रीन नेट के नीचे, वहाँ 11-12 बजे से धूप आती है, लेकिन वो धूप इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ रही है क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे है ये, है ना। और मैं आपको अपनी इसकी ग्रोइंग कंडीशन बता रही हूँ, है ना, मैं तो ग्रीन नेट लगा लेती हूँ हर गर्मियों में, तो मेरे ये हमेशा ग्रीन नेट के नीचे वहाँ 12 बजे से लेकर 5 बजे तक धूप रहती है। लेकिन इसको जो लाइट मिलती है वो छन के मिलती है। और अगर आपके ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ इसको 2-4 घंटे की डायरेक्ट धूप मिल रही है, तो आप ऐसा करें पहले तो उसको रखा रहने दें, है ना, 2-4 घंटे की जहाँ धूप मिल रही है वहाँ पड़ा रहने दें। जब इसमें फ्लावर खिल जाएं, फूल जब इसमें आ जाएं, जैसे ही फुटबॉल्स आ गए हैं इसमें, तो उसके बाद आप इसको ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर दें। क्योंकि अगर फ्लावर्स जो हैं वो फुल सन में पड़े रहेंगे तो वो जल्दी ख़त्म होंगे आपके पौधे। अगर आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो ये जो फ्लावर है ये ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। कोई भी चीज़ जैसे एशियाटिक लिली भी मैं लगाती हूँ फ्लावर, तो उसमें भी यही होता है कि जब उसमें फ्लावर्स खिल जाएँ तो आप उसको थोड़ा छाया में शिफ्ट कर दें, जहाँ उसको डायरेक्ट धूप नहीं मिले। तो छाया में क्या होता है, ब्राइट लाइट मिले लेकिन धूप नहीं मिले, जैसे ग्रीन नेट में छन के इसमें धूप आती है, तो ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और बस इसके बारे में यही बताना था मुझे, आपको कितने प्यारे लगते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो लीजिए, बहुत प्यारे हैं। बस साल में एक बार ही फ्लावर आते हैं इसमें, लेकिन ठीक है, वैरायटी है, बहुत खूबसूरत लगता है, इनकी अलग ही खूबसूरती है। बहुत सारे लगे हुए हैं एक साथ तो कितने प्यारे लगे। अब मैं, हो सकता है और भी इसमें फ्लावर खिले हैं इस गमले में, क्योंकि बहुत सारे बल्ब्स लगे हैं, तो अगर खूब सारे एक साथ खिले तो मैं आपको वो भी एक दिन दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।